गुड़गांव में चलती मस्जिद कार में एक 22 वर्षीय युवती से बलात्कार की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ये युवती डीएलएफ फेज 2 इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मैनेजर के पद पर काम करती है। पीड़िता के मुताबिक वो नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति को जानती है जो कि प्रॉपर्टी डीलर का ही काम करता है। उसका कहना है कि सोमवार शाम करीब 7 बजे नरेंद्र उसके ऑफिस में आया और उसे फ्लैट दिखाने के बहाने अपने साथ चलने के लिए कहा। युवती को ये नहीं मालूम था कि असल में नरेंद्र के दिमाग में क्या चल रहा है। युवती नरेंद्र के साथ उसकी मस्जिद कार में सवार होकर चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर जाकर नरेंद्र ने कार रोक दी और शराब की दुकान से बियर खरीद कर पीने लगा। युवती ने जब नरेंद्र से बियर पीने पर आपत्ति जताई तो उसने उसके साथ बलात्कार की कोशिश शुरू कर दी। बलात्कार की कोशिश में नाकामयाब होने के बाद नरेंद्र ने उसे चलती कार से बाहर धकेल दिया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। ये प्रॉपर्टी का ये काम है जी, ये मेरे पास ये 3 साल से ये लड़की जॉब कर रही है। ये मेरे पास ये फोन आया जी, वहाँ पे सारे जी लोग वहाँ जमा थे जी। इस लड़की को एक गाड़ी से बाहर फेंका गया। ये मर्सिडीज थी जी, ब्लैक कलर की, नंबर नहीं पता अभी बिल्कुल भी। नरेंद्र युवती को अपनी काली रंग की मर्सिडीज कार से फेंकने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने युवती के बयान पर नरेंद्र के खिलाफ बलात्कार की कोशिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नरेंद्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नहीं, बलात्कार की पुष्टि अटेम्प्ट टूट रहे पैसे। लड़की को ये पुश करके गया गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से। इसने इसकी इच्छा के विरुद्ध से गलत काम करने की कोशिश की है, जो इसने अपोज किया तो चलती हुई गाड़ी से इसको धक्का मार के चले गए। लेकिन सरेआम चलती कार में बलात्कार की कोशिश के इस मामले ने गुड़गांव पुलिस के उन दावों की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें शहर और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम की वो बात करती है। गुड़गांव से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।